फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो जैसा कि आप जानते हैं, बीएससी सिक्स सेमेस्टर मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, इसमें आपको दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। बीएससी सिक्स सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, NA, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसका ये चैप्टर नंबर 1 है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 बता दिया है, अपने लेक्चर्स में पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 के अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, बनी बनाई प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 मैंने बाद में इसलिए बताया है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो पहले मैंने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 करे जो कि ईजी थे, उसके बाद मैंने सोचा आप करा ही देती हूँ चैप्टर नंबर 1 भी, तो चैप्टर नंबर 1 भी मैं करा देती हूँ। मेरे पास एक दो कमेंट भी आए थे कि चैप्टर नंबर 1 तो कराया नहीं आपने, 2, 3, 4 करा दिया है, तो ये मैंने सोचा, फिर कमेंट्स भी आ रहे हैं तो मैं इस पर भी बना देती हूँ वीडियो। थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट है तो इसको चैप्टर को अच्छे से समझना, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी लेंथी हैं तो इसमें पेशेंस बहुत चाहिए, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना। तो इस चैप्टर में 4 मेथड हैं, हम 1 बाय 1 हम इसमें मेथड को पढ़ते जाएंगे। तो हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे, इसका मेथड है एक न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसका नेम है न्यूटन रैप्सन मेथड। जो इसका फर्स्ट मेथड है उसका नेम है ये न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखिए, इसका पूरा डेरिवेशन भी है, इसको अच्छे से समझने का पूरा कॉन्सेप्ट भी है, बट वो यूज़फुल नहीं है। ठीक है, आपको फॉर्मूला क्रिएट करना आना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए कि बना कैसे, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। मेन आपको जो इसका मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपको अपने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला है वो आपको अपने क्वेश्चंस में यूज़ करना है इस चैप्टर में। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देती हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है xn + 1 xn - f(xn)/f - xn, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, इस फॉर्मूले में xn + 1 = xn, इसकी पहचान है कि जो भी टर्म होगा उससे हमें कम वाला टर्म लेना है, यानी कि n + 1 है तो यहाँ पर हमने n लिया है। जैसे यहाँ पर लिखा होता है x3 तो हम यहाँ पर लिखते हैं x2। ठीक है, यहाँ पर x3 लिखा होता तो हम यहाँ लिखते हैं x2, यहाँ x2 लिखा होता तो यहाँ x1, मतलब उससे कम लिखना है क्योंकि यहाँ n + 1 है, यहाँ पर n है। माइनस फंक्शन में xn और फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है f - xn। जैसे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, तो ये जो फॉर्मूला है और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन रैप्सन मेथड अगर आप थोड़ा सा जानना चाहें तो मैं बता दूँ, ये जो न्यूटन रैप्सन मेथड है अपने अपने प्रीवियस वाले सेमेस्टर में टेलर्स थ्योरम पढ़ी होगी, जो टेलर्स सीरीज़ होती है, टेलर्स थ्योरम होती है, उसी से ये फॉर्मूला बनकर आता है न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो हम कुछ कंसीडर करते हैं इसमें, फंक्शन और अप्रोक्सीमेशन कंसीडर करते हैं, उसके डिज़ायर रूट कंसीडर करते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट हम कंसिडर करते हैं। स्मॉल इंक्रीमेंट का मतलब होता है लेंथ ऑफ इंटरवल, कि इंटरवल की लेंथ कितनी है। अगर कोई टेबल बन रही है उसमें लिखा है 10, 20, 30, तो उसमें 10-10 का गैप है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो उसको पूरा थ्योरी को समझ के, जो टेलर्स थ्योरम में हमने एक्सपेंड किया है उससे आपका ये फॉर्मूला बनता है न्यूटन रैप्सन मेथड। उसका इतना यूज़ नहीं है, मेन बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और इसको हम और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन नोट कर दिया है, देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से। फाइंड √12 टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, √12 के लिए फाइंड करना है टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कितने डेसिमल प्लेसेस के लिए, 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए। ठीक है, और
आपको ये फाइंड करना है किस मेथड से, न्यूटन रैप्सन मेथड से। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअल में करना क्या है, तो यहाँ पर आपको न्यूटन रैप्सन मेथड यूज़ करना है। एक तरह से ये जो अंडर रूट 12 है आपका एक फंक्शन है, क्या है आपका एक फंक्शन है अंडर रूट 12, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व करना सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हमारा फंक्शन होता है तो वो एक्स के टर्म्स में होता है। अगर आप आगे और क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर्स में तो जो क्वेश्चंस हैं वो एक्स के टर्म में है। फंक्शन एफ एक्स बोला है ना हमने, एफ एक्स, तो पहले उसको थोड़ा सा फंक्शन बना लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 12, ठीक है। जो आपको ये वैल्यू दी थी हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, x, लेट x इक्वल्स टू अंडर रूट 12। अब हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे, जब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे x का स्क्वायर एंड अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, बिकॉज अंडर रूट का स्क्वायर वही नंबर वापस आ जाता है। अंडर रूट की अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 इज इक्वल टू 12 होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन की मैथ पढ़ रहे हैं बीएससी की, तो डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बच्चे को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के 12 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस के 12 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं इसे। कैसे लिखा है, 12 को मैं इक्वल्स टू के इधर ले आई, तो 12 माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू के इधर कुछ नहीं बचा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमारा बना है हम इसको कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन बन गया है। क्या बन गया है ये हमारा फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 12, जो कि हमको नीट थी। अब इतना काम हमने किया है, क्वेश्चंस में 99% आपको यहाँ से ही दिया होगा, मतलब फंक्शन गिवन होगा। अभी हमको फंक्शन गिवन नहीं था, वैल्यू थी, हमने उसको एक्स कंसिडर करके फंक्शन बनाया है, ठीक है। नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चंस में आपको फंक्शन गिवन होगा। अब असली काम शुरू होता है न्यूटन मैथन मेथड में, ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड में। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम x को वैल्यूज़ देते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 1, so on, ऐसे x को हम खूब सारी वैल्यूज़ देते हैं, तो देते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। जब हम x को वैल्यू 0 देंगे तो फंक्शन कितना होगा, x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 12, तो केवल और केवल माइनस 12 हो जाए, ठीक है। फिर हमने x को वैल्यू दी 1 दी, तो फंक्शन कितना होगा, 1 का स्क्वायर, इस फंक्शन में पुट कर रही हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 12, आंसर आया माइनस के 11। फिर x को वैल्यू मैंने 2 दी, फंक्शन में रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 12, इट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 माइनस के 8, बिकॉज माइनस का साइन बड़ा है तो जिसका साइन बड़ा होता है। x इक्वल्स टू 3 रखेंगे, तो f इक्वल्स टू 3 रखा मैंने यहाँ पर, तो फंक्शन आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 12, इसका मतलब 3 3 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 माइनस के 3। अब जैसे ही मैं फंक्शन में 4 रखूँगी, तो 4 रखने पर क्या होगा, 4 रखने पे आपको मिलेगा फंक्शन में 4 का स्क्वायर माइनस 12, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब हम यहीं रुक जाएंगे, ठीक है। अब क्यों रुक गए हम, इसलिए रुक जाते हैं हम जब तक वैल्यूज़ देते जाते हैं जब तक कि साइन अपोजिट ना हो जाए। देखिए ये जो आंसर आ रहा था कैसा आ रहा था, नेगेटिव। ये जो आंसर आ रहा था माइनस का 11 नेगेटिव, माइनस का 8 नेगेटिव, माइनस का 3 नेगेटिव, बट प्लस का 4 आ गया पॉजिटिव। सो आप जब तक वैल्यू देते हैं जब तक कि साइन अपोजिट नहीं हो जाता, नेगेटिव 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 नेगेटिव, एंड देन 4 रखते ही, 4 पुट करते ही फंक्शन में आपका आंसर आ गया पॉजिटिव, तो हम वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर उल्टा होता पॉजिटिव आ जाता, तो पॉजिटिव 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 जब तक लिखते जब तक कि नेगेटिव नहीं आ जाता, जब तक साइन अपोजिट नहीं होते हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। अब आप कम भी ले सकते हैं वैल्यू, 4 और 3 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है तो हो सकता है 3.5 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, इसकी वैल्यू फंक्शन की x को अगर हम 3.5 देते हैं तभी भी पॉजिटिव आ रही है, तो आप वैल्यू 3.5 भी ले सकते हैं,
ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आप लिखेंगे हेयर चेंजेस ऑफ साइन, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं, हेयर चेंजेस ऑफ साइन, यानी कि साइन की क्या होगा, चेंज होगा। वी नो दैट, हमने क्या जाना, x0 is an अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। x नॉट क्या है, एक हमने कंसिडर कर ली कि x नॉट क्या है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू व्हेन साइन इज चेंज, जब साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, व्हेन साइन इज चेंज, ठीक है। तो इसमें ये कुछ नहीं है, बस समझना ये है कि जब तक साइन चेंज नहीं होते तब तक हम करते हैं, और जिस पॉइंट पे हमारे साइन चेंज होते हैं, हम वो पॉइंट को x नॉट लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 पे मेरी पॉजिटिव आ रही है, मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती हूँ, अगर इसके बीच में यहाँ x 4 से पहले अगर मैंने x को वैल्यू 3.5 दी है ना, तो मेरा जो फंक्शन है वो कितना हो रहा है, 3.5 का होल स्क्वायर माइनस के 12, ठीक है, तो 3.5 का होल स्क्वायर आ रहा है 12.25 माइनस 12 इज इक्वल टू 25, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, जो कि कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर है, सॉरी 2.5, क्या हो रहा है, 0.25, ठीक है, 0.25, 12.25 में से 12 है तो 0.25 ही तो बचेगा, तो 0.25, सो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जैसे आपकी 4 पर आए तो आप एक बार बीच में चेक कर लीजिएगा, 3.5 पर तो नहीं आ रही, क्योंकि जितनी हम कम वैल्यू लेते हैं ना, उतना ही इस क्वेश्चन में एक्यूरेसी आती है, इसलिए हमने यहाँ पर कम वैल्यू ली है। तो हम जो काम करेंगे वो 3.5 पकड़ेंगे। तो इसमें जो हम x नॉट लेते हैं ना, टेकिंग x नॉट, जो हम x नॉट लेते हैं वो हम लेते हैं वो वैल्यू जहाँ पर साइन चेंज हुआ है। न्यूटन रैप्सन मेथड का ये रूल है कि आपको x नॉट वो लेना होता है जहाँ पर आपका साइन चेंज हो गया, तो 3.5 पर आपका साइन चेंज हो गया, 3.5, आप 4 ले लीजिए, गलत वो भी नहीं है, बट मैं एक्यूरेसी के लिए बता रही हूँ, आप 3.5 ले, ठीक है। अब बात करते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड ही चल रहा था ये अभी तक, इसके फॉर्मूले की, अब हम इसके फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सो जैसे कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर मैं बताती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में हम लिख देंगे बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। ये मेथड ना थोड़े से ख़तरनाक होते हैं क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, पेशेंस चाहिए इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। इन क्वेश्चंस में बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, बिकॉज मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ, क्योंकि ये जो बुक चल रही है, इस बुक में कैलकुलेटर एग्ज़ाम में अलाउड होता है, सो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। सो बाय न्यूटन रैप्सन मेथड क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर्मूला क्या था, यहाँ लिखवाया था मैंने आपको xn+1 इज इक्वल टू xn-fxn, अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इस रिलेटेड क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने अगेन लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करना सीखते हैं, कैसे कैसे, हम सबसे पहले निकालेंगे x1, ये हम अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो x1 निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, x1 निकाल रहे हैं, मैंने बोला था इससे कम लेना है, यहाँ पर n+1 है तो n लिया है, तो यहाँ x1 है तो इससे कम क्या होगा, 0, x0 होगा इससे कम, x0, और जो यहाँ फंक्शन लिखा होता है वही फंक्शन x0 और f'x0, ये आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए x1 इज इक्वल टू x0, तो x0 की वैल्यू कितनी है, अभी हमने यहाँ से x0 की वैल्यू फाइंड की थी, x0 की वैल्यू है 3.5, सो हम वो यहाँ पर पुट कर देंगे, 3.5 माइनस fx0 का मतलब है जो आपका फंक्शन बना था, ये जो फंक्शन बना था इसमें x0 रखना है, x के प्लेस पे, तो x0 की वैल्यू थी 3.5, तो आपको यहाँ पर 3.5 रखना है, 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 12, अभी हमने फाइंड किया था कितना था, यहाँ पर फाइंड किया था देखिए 0.25, तो हम यहाँ पर वो पुट कर देंगे 0.25 ओवर f'x0, f'x0 का मतलब है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x-12,
ये आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2x-12, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है, यहाँ पर हम x के प्लेस पे x नॉट रखेंगे ना, सॉरी x नहीं रखेंगे x नॉट, तो 2x0-12, तो x नॉट की वैल्यू है 3.5 मल्टीप्लाई 2 7.0 12 का तो ज़ीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बिकॉज 12 इज़ अ कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। सो एक्स स्क्वायर का ओनली होगा 2x एंड 2x का 2 मल्टीप्लाई 3.5 एक्स नॉट का, तो हो जाएगा 7.0। देखिए इसका मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख देती हूँ, f डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2x केवल 2x कांस्टेंट का ज़ीरो। सो इसमें आपको हर बार x नॉट x वन x टू टर्म्स रखने होंगे, ये इसका डिफरेंशिएशन है, डाउट मत रखिए, वैल्यूज़ को रख कर देख लीजिएगा बट गलत मत कीजिएगा, मैं डायरेक्ट ओरली बता रही हूँ जैसे वैसे नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, और सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 3.46428। इसको सॉल्व करने के बाद सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आपको कैलकुलेटर की नीड होगी। अब हमने x1 फाइंड कर लिया, अब हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, इट मींस x2 फाइंड करेंगे। सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हम x2 लेंगे और इससे कम लेते हैं फॉर्मूले में, यानी कि x2 लिया यहाँ पर x1-f(x1)f'(x2)। हर बार एक नया फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, पहले ये बना अब ये बना। अब फटाफट वैल्यूज पुट कीजिए, x1 की वैल्यू आपने फाइंड की है 3.46428-f(x1), यानी कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पर x1 रखना है और x1 की वैल्यू है ये, आपको ये पुट करनी है। तो जब आप इसको पुट करेंगे और सॉल्व वॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.001235। ये कैलकुलेटर की हेल्प से करा है। f डैश एक्स वन का मतलब है फंक्शन में x1 के प्लेस पर ये रखेंगे 2 × 3.46428। जब 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सो आपको आंसर मिलेगा 6.92856। इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा x2 3.464103। ये हमने फाइंड कर लिया x2 यानी कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ऐसे ही हम थर्ड फाइंड करेंगे, थर्ड फाइंड करने के लिए अगेन उससे कम लेंगे, यानी कि x2-fx2/f'x2। अब ये आपका फॉर्मूला हो चुका है x3 के लिए, ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए x2-fx2/f'x2। अब इसमें हम यूज़ करेंगे अगेन सारी वही वैल्यूज़, x2 कितना है हमने फाइंड किया है अभी 3.464103-fx2, यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x2 की वैल्यू रखेंगे, x2 की वैल्यू है ये 3.464103-12 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.000009/f(x2). डिफरेंशिएशन वाले में x2 की वैल्यू रखेंगे, इस पूरे की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, सो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आएगा 6.928206। एंड देन जब हम इसको बाय कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.464108। ये हमने निकाला थर्ड आंसर। तो हम इसका अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते रहते हैं जब तक कि हम फाइंड कर सकते हैं, और भी फाइंड कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको 3 तक फाइंड किया। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, और क्वेश्चंस में कहीं कहीं तो 5, 4, 6 तक पहुँच जाता है, और न्यूटन रैप्सन मेथड ऐसा होता है। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन रैप्सन मेथड कैसे होता है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।